हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश मीडियम की चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, और आप भाई अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर वे पे प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि आप लोग को पता है इसमें परीक्षा बोर्ड सार मॉडल पेपर सब कुछ का क्वेश्चंस डाला गया है, ताकि आपको यहां वहां ना भटकना पड़े, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, ये चीजें आपको ना सोचना पड़े। अब आपको सिर्फ सोचना है तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या, आप उनकी आंसर्स कैसे कर पाओगे। कुछ बच्चों की कहना रहता है कि क्वेश्चंस आप बहुत ज्यादा बताते हो, तो हाँ भाई सब कुछ का निचोड़ है, नाम ही निचोड़ है कि हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर की हो, चाहे सॉल्व पेपर की हो, जो भी क्वेश्चन हो सबको इसमें डाल दिया गया, ताकि आपको इधर उधर ना भागना पड़े। हमारी मकसद यही था इस सीरीज को बनाने के लिए, इसलिए क्वेश्चन की नंबर्स जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको आई थिंक रीजन्स पता चल गया होगा, तो हम चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स की, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर आई थिंक 3-4 मार्क्स इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो आपको देखो साइंस में पढ़ना कैसे, भाई बता दो, आप सिलेक्शन पढ़ो कि सिलेक्शन क्या होता है, डिफाइन सिलेक्शन, देन आफ्टर देन आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन पढ़ो, फिर उन दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर। इस तरीके से आप पढ़ो, डेफिनेटली आपकी मार्क्स सिक्योर रहेगा, क्लियर। क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है कि आप टॉपिक को कंफर्म करो। फिर आपको व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय होमोलॉजिस ऑर्गन एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आ रखे प्रीवियस ईयर में, ये वाली क्वेश्चंस, बट आप 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए पिछले ईयर आ रखे, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट आर रेसिडुअल ऑर्गन्स कॉल्ड, एक्सप्लेन रेसिडुअल ऑर्गन किसको कहते हैं, इसको करना है। फिर कॉल्ड इक्वेनमिटी ऑर्गन, ये तो ये तीनों ऑर्गन ऑलरेडी आ रखे, तीनों ऑर्गन आपको इस ईयर के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे तब भी चलेगा, बट थोड़ा बहुत देख के रखो, ठीक। फिर इज दिस इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैविंग एनी इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ टाइगर्स। तो अगर इसमें क्या बोल रहा है, इज इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने से टाइगर की जो नंबर है या टाइगर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको ये वाला जो कानी फीस है वो वाली क्वेश्चंस आपको कर लेना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 10 ही क्वेश्चंस करना है हर चैप्टर में, ऐसे ही 2 मार्क्स के लिए 10 क्वेश्चंस, फिर नंबर बढ़ते जाएगा, क्वेश्चंस की नंबर चेंज होती है, जैसे कि 6 मार्क्स के लिए आपको मुश्किल से 2 से 3 टॉपिक करना पड़ता है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता, तो इतना ही आपको करना है, ठीक है। 8 की कर लेना है आपको, 9 कर लेना है, इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करते चलना है। फिर हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 मार्क्स वाले जैसे कि बताया था, ये क्वेश्चन आपके आ रखे हैं 2023 में, तो इस बार के लिए आप इन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो, फिर बाकी नीचे की जो क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपको करना क्या है भाई, इन क्वेश्चंस को तो करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहे, डिस्क्राइब द 4 मार्क्स ऑफ द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को आपको 4 पॉइंट्स में, इसको मार्क्स लिखा है 4 पॉइंट्स में आपको बताना है एटलीस्ट, ठीक है। व्हाट आर द रोल ऑफ सिलेक्शन एंड अडॉप्शन इन द इवोल्यूशन, तो किसकी सिलेक्शन और अडॉप्शन की आपको क्या बताना है, रोल को बताना है, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल आपको कर लेना है, ठीक है, क्लियर। इन सबको करेंगे, फिर बिगल की जो जर्नी है उस चीज को भी आपको कर लेना है, तीन क्वेश्चंस को करेंगे, और लास्ट में ये एक्सप्लेन डार्विनिज्म नेचुरल सिलेक्शनिज्म, इसको आपको करना है, क्लियर है। तो इतना क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी रिप्लेस हो गया, तो 4 क्वेश्चन बाकी, तो 4 क्वेश्चन में से कर लेना, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, जिसमें से 1 आपको कवर करना है, लिखना है, अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट, यहाँ से देखो 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 2 मार्क्स के लिए देखो, 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन है, मतलब अंदर की चीजें भी पूछा जा सकता है, इसलिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की नंबर बहुत ज्यादा है। कुछ बच्चों को इस पर डाउट रहता है कि आप उनको सटीक बताए, तो सटीक क्वेश्चंस आएगी भाई, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट की वीडियो लेकिन बिफोर एग्जाम आएगा, ठीक है, अभी से तो उसका प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, है ना, तो वो आएगी, बट आप सिर्फ उसके भरोसे में रहोगे या मॉडल पेपर के भरोसे में रहोगे तो डेफिनेटली आपका मार्क्स जो है लो होने वाला है, इसलिए इन क्वेश्चन से प्रिपेयर कर रखो, क्योंकि आपको उससे सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रिपरेशन इससे करना है, प्रिपेयर के लिए अलग होती है और प्रैक्टिस के लिए अलग क्वेश्चन होती है, तो ये हम प्रिपेयर के लिए क्वेश्चंस दे रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर पीएच वैल्यूज, पीएच वैल्यू क्या होती है, आपको पीएच स्केल भी बता लेना, डेफिनेटली यहां से एकदम कंफर्म कर लो, ठीक है, फिर आपका 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी बन जाएगा, देखना बता दूंगा मैं क्वेश्चन। राइट नेम्स ऑफ नेचुरल सोर्सेस ऑफ एसिड एंड अल्काइल, ठीक है, अल्काइल, इसका एसिड का नेचुरल सोर्स क्या है उसको बताना। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 एसिड्स फाउंड इन द फूड आइटम्स, फूड आइटम्स में पाए जाने 2 एसिड्स के नाम लिखना है। फिर
क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोला जा रहा है, हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस थ्रू स्मेल, स्मेल के थ्रू हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको बताना है। फिर जब ये आया तो हम बोल सकते हैं जो आइडेंटिफाई करने की थ्री होती है ना, एक तो होती है बोल सकते हैं नेचुरल आइडेंटिटी करने के लिए, फिर एक होती है हमारी बोल सकते हैं उसको ह्यूमेन बोल सकते हैं है ना, आर्टिफिशियल टेस्टर बोल सकते हैं, एक नेचुरल टेस्टर बोल सकते हैं। तो वहाँ से आपको तीनों को कर लेना है ठीक। फिर इन सब चीज़ को देखो क्या बोल रहा है, द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6, व्हाट विल बी द चेंज पीएच वंस कर्ड इन मैड, जब उसे कर्ड बन जाएगा तब उसमें पीएच वैल्यू में क्या चेंजेस होगा, कम होगी ज़्यादा होगी, उस चीज़ को आपको बताना है। वाई आर पिकल्स नॉट कैप्ट इन कॉपर और एल्यूमिनियम वेसल, ठीक है, हम पिकल्स को जो है ठीक है अचार को जो है हम कॉपर और एल्यूमिनियम के वेसल में क्यों नहीं रखते, उस चीज़ को आपको लिखना है। इस तरीके से बेसिक चीज़ें हैं क्वेश्चंस है उस सब चीज़ को करना है। देखो पीएच स्केल से इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आप डेफिनेटली करेंगे। तो जैसे कि मैं बताया था 4 मार्क्स के लिए आपको पीएच स्केल क्लियर है तो ये आप बता सकते हो ठीक है। इस तरीके से आपको दे रखी है एक टेबल, इसमें बताना है एनालिसिस करके विच सब्सटेंस आर द अल्काइन ठीक है इन नेचर, उसको बताना है। फिर एसिडिक इन नेचर इस तरीके से इसको बताना है ठीक है, बहुत आसान है। फिर न्यूट्रल कौन सा है उसको बताना है, तो उसको देख करके आप आराम से बता सकते हो टेबल में, बस आपको पीएच स्केल अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्लियर है, तो वो करके रखो, डेफिनेटली इस टाइप से आपको कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या बोल रहा है, एसिड ए एंड बी आर टेकन इन 2 बीकर्स ठीक है, एसिड ए अंडर जस पार्शियल आयोनाइजेशन ठीक है, मतलब ए का जो है बोल सकते हैं और बी का, दोनों में उनका आयोनाइजेशन जो है एक का कंप्लीटली होता है एक का इनकम्प्लीट होता है, तो उसके हिसाब से आपको बताना है कि इनकम्प्लीट वाला का क्या होगा और कम्प्लीटली वाला का क्या होगा ठीक है। तो उस चीज़ों को उसके बेसिस पर यहाँ पर बताना है कि कौन वीक एसिड है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों का एग्जाम्पल्स देना इस तरीके से ठीक है। फिर डे भी उसी पे बेस है क्वेश्चन नंबर 3 पे, इस तरीके से सॉल्यूशंस दे रखे उसका पीएच वैल्यू इस तरीके से, उसमें बताना है कि वीकली कौन है ठीक है, इस तरीके से सब स्ट्रॉन्ग कौन है उसको बताना है आपको, पीएच स्केल प्रिपेयर रहेगा तब आराम से हो जाएगा। फिर ये लास्ट क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से ठीक है, इसमें से कौन क्या है ठीक है, इसको रेडिकल्स को बताना पड़ेगा इसमें से ठीक है, तो ये सब चीज़ प्रिपेयर जरूर करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर से भी आपके 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के कोई बड़ा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, तो 3 मार्क्स के लिए कन्फर्म है कि आप पूछे जाएंगे, तो देख लेते 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। व्हाट इज हीट, हीट बताना है, हीट की ऐसा यूनिट बता लेना। फिर उसकी व्हाट आर द पार्टिकल एंड ऐसा यूनिट ऑफ हीट, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन देम, तो इसमें से बता लेना है ठीक। फिर इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस को भी आप करते चलेंगे, जैसे कि इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है आई थिंक ठीक है, 10 क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। फिर 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए इस तरीके से कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस तो आपको पूछे ही जाएंगे ठीक है, कि एक टेम्परेचर एक स्केल से अदर स्केल में आपको कन्वर्ट करना है, तो इसमें एग्जैक्ट ये जैसे कि अपन मैं दे दिया हूँ यहाँ पर 14 डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखे, तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना, जरूरी नहीं कि यही है, आपको नंबर्स कोई सा भी दे, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो कि आपसे वो चीज़ें बन जाए। फिर इस तरीके से ये डेफिनेशन ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होते हैं, ट्रांसमिशन में ये तीनों टाइप्स को आपको एक्सप्लेन करना है ठीक है। फिर आपको देखो इंपॉर्टेंट ऑफ वाटर कर लेना है, और इस वाटर की यूजेस ऑफ जो स्पेसिफिक हीट होता है उसका डेली लाइफ में क्या यूजेस है वो आपको बताना है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर लेना ठीक है, ये भी तो कन्वर्ट करने वाली क्वेश्चंस है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर करेंगे ठीक है। तो फिर अब हम लोग देख लेते हैं फाइनली चैप्टर नंबर 4 की, तो क्या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें बेसिक जो अब ज़्यादा बेटर रहेगा कि इसमें पूरी जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करके रखो, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए एकदम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एकदम कंफर्म वो क्वेश्चंस नहीं हो पाती है ना, इसलिए और उसकी रिपीट होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं, इसलिए आप छोटे क्वेश्चंस के लिए आप पूरे कॉन्सेप्ट को बुक को पढ़ो, एटलीस्ट साइंस में वो चीज़ें आपको करना पड़ेगा, हालांकि बाकी सब्जेक्ट में ये नहीं करना पड़ता, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी कवर करो, तो प्रीवियस ईयर में भी कवर करो, 3 सेट होती है एक साल में, तो 3 क्वेश्चंस तो आ ही जाता है, तो एक एक साल का 3-3 क्वेश्चन करोगे तो ऐसे ही बढ़ जाता है, अगर पिछले 5 या 15 क्वेश्चंस तो ऐसे ही हो जाता है ना, तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे, फिर हम जो है देख लेते हैं 3 मार्क्स में इस तरीके से आपको पूछना है, पूछा जाएगा 4 मार्क्स की क्वेश्चंस इस तरीके से आती है ठीक है, ये 4 मार्क्स में इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इसमें से ठीक। फिर हम चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 5 में आपको क्या है 2 मार्क्स की ओनली क्वेश्चंस करना है, तो 2 मार्क्स के लिए बहुत छोटा क्वेश्चंस करना है
ठीक है। तो देखो इसमें से कंप्लीटली आप करके रखो कि इकोसिस्टम क्या होती है, इकोसिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को कंप्लीटली करके रखो, तब जाके ये चैप्टर्स आपका हो पाएगा। तो जितना भी क्वेश्चंस आप देख पा रहे सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इन क्वेश्चंस के प्रिपेयर जरूर आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका 15 क्वेश्चंस इस चैप्टर से, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर करेंगे, देख लेना आप, इन क्वेश्चंस से करोगे डेफिनेटली आपकी तैयारी जो है कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अनुल इंपॉर्टेंट वीडियो में, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।